अभी हम लोग आए हैं ट्रेवल करके लाहौर से सांभर डायरेक्ट नहीं नहीं बाय रोड आए हम सो अच्छा ये बहुत प्रॉब्लम है मेरे साथ है बैठने का इसके साथ भी है आई थॉट ये हम लोग के साथ हट हम लोग अभी ट्रेवल करके लाहौर से आ रहे हैं बहुत भूख लग रही थी रास्ते में तो हम जैसे ही पहुंचे हमने हमारे ना पास में यहाँ पे ढाबा है ढाबा टाइप मतलब लाइक वो नहीं ढाबा प्योर लेकिन ऐसे है कि प्योर ढाबा होता है जैसे मतलब मट्टी खट्टी का वैसा नहीं है पर छोटा सा कैफेटेरिया है लेकिन वो है थोड़ा सा ढाबा लुक उसकी ना ढाबे वाली है हमने वहां से खाना लिया फिर हमने खा लिया मुझे तो वैसे माल्टे अखरोट मतलब कुछ ऐसी चीजें पसंद है खट्टी खट्टी नमकीन नमकीन मीठी चीजें मैं नहीं खाती ये चॉकलेट्स मिल्क शेक और पता नहीं क्या 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 गंद खाती चिली मिली वो तो मैं भी खाती हूँ और कैंडीज मिलती है वो 5-5 रुपए की ना हमारे नीचे मार्ट है यहाँ पे हमारी बिल्डिंग के नीचे मार्ट है तो वहां से वो मिलती है वो जब भी कोई कॉइन वगैरह बचता है ना तो वो कॉइन देने के बजाय ना कैंडी हाल पे दे देते हैं ये बच्चे इतना खुश होकर लेके आगे आगे भाग ही होती और बहुत हो गया वैसे ही कभी आपने कॉम्बिनेशन किया किसी चीज का कॉम्बिनेशन क्या खाने में मीठे चावल सदे खाए थे मैंने एक बार और मीठे और नमकीन चावल भी मैंने मिक्स खाए थे एक बार नहीं मैं खाती मुझे अच्छा लगता है अच्छा मुझे वाइट राइस जो होते हैं कभी किसी ने ट्राई किए हो वाइट राइस जो है योगर्ट के साथ और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके चीनी ऐड कर दो पता नहीं मुझे उसका टेस्ट बहुत मैं चीनी ऐड कर दूंगा मैं मतलब मैं शुगर ऐड कर दूँ ये वैसे मीठा खाती है नमकीन खाती है तो हम दोनों की चॉइस थोड़ी सी है सेम ही है बस उसमें नमक और चीनी का मेरी इसकी मेरी चॉइस बिल्कुल सेम नहीं है बिल्कुल नहीं है या मुझे याद आ गई बिल्कुल बिल्कुल भी सेम नहीं है हमारी चॉइस अच्छा इतनी है देखो जरा सुला भी नहीं मार रही है ठूसी जा रही है बंदा पूछ लेता है जिवे तुम खाओगी जिवे तुम खाओगी खाने वाली हूँ बनाऊंगी मैं बनाऊंगी मेरा मतलब मैं खुद छीलूंगी ऐसे मुझसे माल्टे छूते नहीं है अखरोट मैं बहुत अच्छे से तोड़ लेती हूँ जैसे कि आप सबको बताया मैंने अभी तोड़ेंगे ना फिर देखना चल तोड़ हाँ ना मजा आता है यार सारे दीवारों पर निशान बना दिए नहीं जी दूसरे वाले फैट में दो उसपे ना मेरे पास अभी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं है स्कार्फ भी नहीं है आप सोच रहे होंगे कि हमारे साथ एक बंदा मिसिंग है हाँ मिसिंग है गुण जो है उसकी तबीयत नहीं ठीक है उसके सर में ना थोड़ी सी दर्द है तो फिर उसने मैंने मेरे से भी कुट खाई है कुट तो नहीं खाई खैर बड़ी बहन ने कुटती तो नहीं है डांटा है कि जाओ दवाई नहीं खा रही उसने कहा अच्छा खाती हूँ दवाई खाने गई थी अभी तक आई नहीं है मुझे लगता दवाई बना के पहले तो पढ़ेगी डॉक्टर बनेगी फिर चेकअप करेगी और फिर दवाई खाएगी और फिर वापस आएगी कैसा शैतान ने नाम लिया हाजिर हो गया मैं खा जो मसरूफ हूँ आप लोगों को लग रहा है मैं बोल नहीं रही खाऊंगी ताकत आएगी तभी बोलूंगी ना हाँ और मैं ये आया हमारा शैतान ये और हम लोग जो है ओ मतलब मेरी बात हो रही थी हम लोगों की नहीं ये लोग तो ऐसे ही है बस छील के नहीं दिया
सोच रही थी, अभी आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये देखें, एक इनू है, ठीक है, इसका स्लाइस जो है ना ये है थोड़ा बड़ा है। अभी जो मैंने खाया ना वो इतना सा था, बिल्कुल माइनर सा, और उसमें कुछ था ही नहीं, चार बीज निकल आए इतने बड़े बड़े। ये क्या बदतमीजी है, खोलो बीज निकालो और फिर खाओ। कहने का मकसद ये है, ध्यान से खाया करो। बीज भी खा लो। हाउ फूडी यू आर? यस आई एम, आई एम प्राउड ऑफ दैट। एंड हाउ मूडी यू आर? शी इज आल्सो प्राउड ऑफ इट। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं क्यों नहीं है, मेरा मूड बिल्कुल फक हुआ है और मुझे मेरी जिंदगी के बारे में कोई समझ नहीं आ रही। क्या मैं कुछ की जिंदगी की समझ नहीं आ रही, पता आपको ये भी ऐसी सैड सैड बातें कश्ती चला के रही है ना। तो इसको इसे समझ नहीं आ रही, थक गए वो कश्ती के, वो चला चला के ना चप्पू कश्ती बीच में से तोड़ दो। ओहो इतनी सेंटिमेंटल क्यों हो रही हो, ओ गर्ल यू सो सैड। अच्छा मेरी बात सुनो यार, मजाक के अलावा बी सीरियस, ओके? मैं सीरियस हूँ कब से। ये जरा चेंज करने के लिए गई थी एक्चुअली, अनकंफर्टेबल हो रही थी उन चीजों में और उन कपड़ों में। सो हम लोग आ गए हैं वापस। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, नहीं बोलती रहती हूँ, कुछ बोलना नहीं आता। ये कहती हैं कुछ नहीं बोलेंगी पर ये बोलती हैं, क्योंकि जब हम भी बोलते हैं तो फिर बोलने के लिए यही बचती हैं। तो तोड़ दिया मैंने, इतनी ताकत है मेरे अंदर मुझे पता नहीं था। आप अखरोट खाना पसंद करेंगे? आप अपने ऑब्वियसली मैं खाना पसंद करूंगी, ऐसा हो सकता है कि मैं अखरोट छोड़ दूं। अच्छा हम लोग जब भी मार्केट पे जाते हैं ना तो ये अखरोट का पैकेट जो है ना मैं खुद चुन के लेती हूँ, चुन के लेती हूँ। खुशबू आ जाती है कौन सा अच्छा है, कौन सा किसमें पूरे अखरोट अच्छे होंगे और किसमें पूरे नहीं अच्छे होंगे। तो मैंने पहले बोला था बेटा इसमें एक भी खराब अगर निकला तेरी खैर नहीं है। पता है आपको कितने का पैकेट है, क्यों बताऊं? खुद पता कर ले। 300 इन्होंने ये भी चुन चुन के खुद लिए थे, कहती है तो आपने भी डालने में खुद अगर आपने डाले तो आप देखना गले में लग गया मेरे। तो मैं आगे आगे को लैब से बनाई हुई थी, इससे आगे नहीं आना, और ये उसके नीचे से घुस के चली गई। बोलती है मैं चुन के डालूंगी अंकल, मुझे भूतू नहीं बना सकती। भूतू जो होता भूतू होता भूतू। ये देखो बेबी ऑरेंज, बेबी ऑरेंज ये लो छोटा सा ऑरेंज, तो भी खाओ खा लो। खा लो क्या याद करोगी, मैंने तुम्हें अखरोट खोल के दिए। खोल तो क्या फाड़ के नहीं तोड़ एक्चुअली हमारी जुबान को लगवा हुआ है। देखा टेढ़ी है। वैसे इस्लामाबाद में कुछ ज्यादा ही सर्दी नहीं? नहीं हमारे इस्लामाबाद है ठंड तो होगी ही। इन्होंने जात किया था जाहिर बात है, रहते हैं हमारा जाहिर बात है हमारा ही हुआ। इजाद चीजें वो होती हैं, चीजें की जाती हैं जो चीजें हरकत में नहीं होती हैं, ठीक है? हमारे शहर हरकत में, ये शहर हरकत में है। यस और क्या चल रहा है ना, कैसे चल रहा है लॉजिकली बात करो मेरे सामने।
किसी ने याद किया था, दरियाफ्त किया था। नाम दरियाफ्त होता है, चीजें दरियाफ्त होती नहीं है, जगह दरियाफ्त होती है, याद नहीं होती। वह जो भी होता है मुझे तो पता ही नहीं यार, तो दिमाग खराब हो गया। कम नमकीन खाया कर, मीठा भी खाया कर थोड़ा सा। नहीं जी, वैसे नमकीन खाने से दिमाग तेज होता है, तो मीठा खाने से दिमाग कम होता है, लेकिन मेरा ज्यादा होता है। ये बड़ी तेज है, मीठा कहती है और खाती नमक है। नमक तो खाती हूँ, जाहिर बात है, वो तो खाती हूँ, तो मैंने एक साल खाया सही दबा करके। हाँ, वो स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। ये आलमा बन रही थी, आलमा बन रही थी। क्या बन रही थी? चुप कर दो, उस बार में जब नहीं करो मैं बता देती हूँ। कुरान हिल्स कह रही थी, शाम को मजाक नहीं करते अपने। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम क्या कर रही थी, नमक क्यों खाया था तुमने एक साल? बस खाया था, मर्जी थी मेरी अपनी। ताड़ी मर्जी ताड़ी। कोई गाना गाते हैं हम सब। ये अलिशबा मैडम बोल रही है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो एक ही रात में वायरल हो गई। कौन है अलिशबा? तो हाँ, और ये जो आजकल बहुत बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं ना, ये बड़े बड़े टिकटॉकर्स पता है क्यों हैं? ये इस वजह से हैं क्योंकि इन्होंने म्यूजिक जब स्टार्ट हुआ था, ये मुझे कीड़ा नहीं था, कीड़ा एक चीज आप मतलब एक नया सॉफ्टवेयर आया या एक नई कोई नई चीज आई है फोन में, जैसे व्हाट्सएप हो गया या टिकटॉक हो गया, म्यूजिक वीडियो हो गया, कोई भी ऐप हो गया, तो कोई भी ऐप होगा, तो जब नया आता है तो बहुत सारे लोग आते हैं जो मोबाइल के कीड़े होते हैं, जिनको होता है यार, जो कहते हैं हर चीज में इंटरेस्ट देते हैं और बोलते हैं कि यार ये चीज नहीं आई, हमने डाउनलोड करनी करनी है। तो ये लोग जो बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं ना, ये वो हैं जब ये टिकटॉक जो था ये म्यूजिक के लिए था और ये आया आता गया था, तो इन्होंने डाउनलोड कर दिया था, इन्होंने बेतुकी वीडियो डालना शुरू कर दी थी। ठीक है, तो लोग इनको देखते थे ज्यादा ज्यादा, क्योंकि यही होते थे बस, इनको देखते थे। तो ये आज जो है बड़े बहुत बड़े बड़े टिकटॉकर्स बने, बड़े फखर से बताते हैं। कौन सा हम एक वीडियो को 1 लाख लेते हैं, अलिशबा और इसने बोला था। कौन सा वैसे इन्होंने कोई तीर मार लिया ना? वैसे कोई ऐसी बात नहीं है, मैं भी टिकटॉक बनाती हूँ, पर जैसा कि मेरा आज कल अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो मेरे जितने भी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं ना, वो कम होते जा रहे हैं, शो नहीं हो रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं। तो पता नहीं किसने रिपोर्ट मारा, कौन मेरा दुश्मन है। हमें वैसे कोई शौक नहीं है टिकटॉकर्स बनने का, मुझे बदनाम मुझे है। मुझे मशहूर होने का शौक नहीं है, ठीक है, अगर मशहूर होना चाहूँ तो हो सकती हूँ, पर मुझे शौक नहीं है, क्योंकि यार मैं सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक अपने लिए बनाती हूँ। मेरी बहुत सारी टिकटॉक ऐसी जो आपने देखी होंगी, वो कोई इतनी मतलब खास कॉन्टेंट नहीं होता उसका, बस जो भी मुझे अच्छा लगता है सॉन्ग या जो भी कुछ होता है, मैं उसमें टिकटॉक बना लेती हूँ, और मैं अपने लिए बनाती हूँ, मैं किसी के लिए नहीं बनाती कि मैं वायरल हो जाऊँ या मैं मेरी कोई वीडियो वायरल हो जाए। हार्डवर्क कोई भी करे तो जाहिर बात है, उसको वो हार्डवर्क आगे जाके मतलब नजर आता है कि यार उसके उसने अच्छा किया, हार्डवर्क किया और उसको इस चीज़ का जो है सिला भी मिला है। हम हार्डवर्क करें तो हम भी आगे पहुंच सकते हैं, पर यार मैं हार्डवर्क टिकटॉक पे जो करूं तो मैं यूट्यूब पे क्यों ना करूं, तो इसलिए यूट्यूब पे मैं वीडियो ज्यादा डाल रही हूं आजकल, आजकल मतलब कल और आज डाली। तो टिकटॉक पे मैंने इतना अभी फोकस नहीं दिया, वहाँ जब मैं कहीं जा रही होती हूँ, तैयार होती हूँ, तो फिर मैं टिकटॉक से देखती होती हूँ, मुझे कोई सॉन्ग पसंद आ गया या कोई भी वीडियो पसंद आ गई, तो मैं इसमें टिकटॉक बना लेती हूँ। मतलब मैं यूट्यूब पे ज़्यादा मैं फोकस करना चाह रही हूँ आज, वो खाने पे। अभी हम लोग पता है खा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं, ये सारे हम खा लेंगे आज। यार हम लोग बहुत ज्यादा थके हुए हैं, क्योंकि हम लोग ट्रैवलिंग करके आए हैं, और हमेशा हर दफा हम लाहौर जाते हैं हम 2 दिन या 3 दिन रहते हैं, इस दफा हम लाहौर के तो हम 5 दिन पूरे वहां पे थे, और हम लोग बहुत थक गए हैं। अब आज मैं अपने घर में रात गुजारूंगी, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज में। क्यों कल की सुबह नहीं गुजारनी? मतलब आज 5 दिन बाद गुजारूंगी, दैट्स व्हाई इंशाल्लाह गुजारूंगी कल की सुबह भी। मिलते हैं हम आपको कल के व्लॉग में, अभी कल के व्लॉग में मिलते हैं, और मैं आप लोगों को कल एक चीज अपने बारे में बताने लगी हूँ, मैं कल की वीडियो में बताऊंगी, तो मुझे कीप वॉचिंग मी एंड कीप टच विद मी, और अब मेरी दुआ करना कि मुझे रात को बुरे बुरे ख्वाब ना आए। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, चलो ओके, मिलते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट करना मत भूलिएगा, और शेयर लाजम करना, मुझे व्यूज देने, अगर तुमने मुझे व्यूज ना दिए ना तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगी, मैं बनाती रहूंगी मैं, फिर भी तुम लोग नहीं दोगे कोई और दे देगा।